वीरगो, येली राशिफल यानी कि कन्या राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। मैं सुविज्ञेंदु सुत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी येली राशिफल सीरीज में। तो चलिए आपको ज्यादा वेट ना करवाते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि मेरी येली राशिफल सीरीज की 6th वीडियो है। तो अगर आपने बाकी 5 वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। मेरी अगली वीडियो होगी तुला राशि वालों के लिए आने वाला साल यानी कि 2020 कैसा रहेगा। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इसी के साथ आने वाली बाकी राशियों की भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जो नीचे बेल आइकन है उसे दबाएं, इसी के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपके लिए प्लेनेटरी ट्रांजिट की बात करें तो आने वाले साल में शनि मकर राशि में यानी कि कैप्रिकॉन राशि में गोचर करेंगे आपकी राशि से 5th हाउस में। वहीं जुपिटर और केतु एक साथ गोचर करेंगे धनु यानी कि सेजिटेरियस राशि में आपकी राशि से 4th हाउस में। राहु गोचर करेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में आपकी राशि से 10th हाउस में। अगर आपके लिए ओवरऑल 2020 को देखें तो आने वाला साल आपकी लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस या फिर बेटरमेंट लेके आएगा। 2020 में शनि आपकी राशि से 5th हाउस में गोचर करेंगे यानी कि मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके ऊपर शनि की ढैया खत्म हो जाएगी जो लास्ट ईयर से यानी कि 2017 से आपको काफ़ी प्रॉब्लम दे रही थी, आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल बढ़ा दिया था। इसी के साथ इस बार 2020 में आपके फॉरेन ट्रिप के भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। तो अगर आपका वर्क पर्पस है या फिर एजुकेशन पर्पस है और उसके लिए आपको अब्रॉड जाना है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी अब्रॉड की ट्रिप होगी। जो लोग जॉब में हैं उनको इस साल ट्रांसफ़र मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। तो यानी कि अगर वीरगो राशि वालों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए 2020 को देखें तो आपके लिए ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके लिए आपकी हेल्थ की बात करें तो आने वाला साल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, पर इस पे डिपेंड करेगा आप कैसा लाइफस्टाइल अडेप्ट करते हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करेंगे तो आपको इस बार कोई भी मेजर हेल्थ इश्यूज़ परेशान नहीं करेंगे। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए ये साल नॉर्मल रहेगा। अगर 2020 में आपकी फाइनेंशियल लाइफ की बात करें तो 2020 आपके फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा। आपके इस बार व्हीकल या फिर घर खरीदने के योग हैं। इसी के साथ जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपके प्लान बने हुए हैं तो आप इस साल किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फाइनेंस के नज़रिए से ये साल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ की बात करें तो आने वाला साल आपके लिए नॉर्मल रहेगा। आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, हालांकि छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट पॉसिबल हैं पर वो आपकी लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। ये आने वाला साल आपके पार्टनर की प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आपकी जॉब को देखें 2020 में तो आने वाला साल आपकी जॉब के लिए अच्छा रहेगा। आपको इस बार आपकी मेहनत की और आपके टैलेंट की वजह से जॉब में प्रमोशन मिलेगा, बेटरमेंट मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। इसी के साथ इस बार आपको आपके काम के लिए आपकी सीनियर की तरफ से एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन दोनों मिलेंगे। जो लोग वीरगो राशि वाले जॉब ढूंढ रहे हैं उनको इस बार डिज़ायर्ड जॉब मिलेगी जैसी आप चाह रहे हैं। इसी के साथ जो लोग ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं या जो लोग ट्रांसफ़र चाह रहे हैं उनको भी इस बार उनकी डिज़ायर्ड ट्रांसफ़र मिल जाएगा। अगर आपकी बिजनेस की बात करें 2020 में तो आने वाला साल आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। आपका बिजनेस इस बार लास्ट ईयर के कंपेरिजन में तेज़ी से ग्रो करेगा। इसी के साथ इस बार आपके बिजनेस में कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ेंगे। लास्ट ईयर आपको बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी पर प्रॉफिट के नज़रिए से ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा।
इसी के साथ जो लोगों की काफी टाइम से इंपॉर्टेंट बिजनेस डील्स अटकी हुई हैं तो वो भी 2020 में कंप्लीट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए 2020 मिक्स्ड रहेगा। जिस तरफ आपको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसी तरफ इस बार आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी। साथ ही इस बार आपको मेंटल स्ट्रेस काफी फेस करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है वरना आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। सेम ही एडवाइस आपके पेरेंट्स को दी जाएगी कि आप बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें। ये कुछ भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती। अगर आपको अपने लिए स्पेसिफिक 2020 को देखना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके न्यू ईयर कंसल्टेशन ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें कन्या राशि वाले दोस्तों के साथ। इसी के साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपसे फिर मिलूंगा तुला ईयरली राशिफल के साथ, यानी कि लिब्रा ईयरली राशिफल 2020 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।